हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब सॉल्ट एनालिसिस के अंदर अगला एनायन, और अगला एनायन के अंदर खास बात ये है कि अब सब ग्रुप वन चलेगा क्लास बी का, यानी कि हाँ क्लास ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आएगी क्लास बी और क्लास बी का सब ग्रुप वन। तो क्लास बी का जो सब ग्रुप वन है उसमें खास बात थी, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सब ग्रुप वन जो है वो आइडेंटिफाइड होता है बाय देयर प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। तो यानी कि यहाँ पर एक खास बात आ गई, पीपीटी रिएक्शन से आइडेंटिफाई होगा। ये क्लास बी वाले एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते, यानी कि अगर चार ऑप्शन आ जाए और आपसे बोला जाए कि कौन ऐसा है जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा विद एसिड, और ऑप्शन में दे दे आपका पहला Cl माइनस, दूसरा दे दे कार्बोनेट आयन, तीसरा दे दे आपका नाइट्रेट आयन, और चौथा दे दे सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि क्लास बी का सब ग्रुप वन है। तो सबसे पहले हम सल्फेट आयन ही पढ़ेंगे क्योंकि ये अपनी प्रेसिपिटेट रिएक्शन से आइडेंटिफाई होते हैं। अब सल्फेट में अगर आप BaCl2 डाल देंगे तो आपका वाइट पीपीटी आएगा BaSO4, अगर आप लेड नाइट्रेट डाल देंगे तो आपके पास लेड एसिटेट का आएगा, वो लेड सल्फेट का आएगा वाइट पीपीटी, अगर आप AgNO3 डाल देंगे तो आपके पास Ag2SO4 का आएगा वाइट पीपीटी, और अगर आप HgCl2 डाल देंगे तो आपके पास एक 2HgO.HgSO4 का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। ये आपका पीपीटी कलर क्या है? वाइट वाइट और वाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है HgCl2 से रिएक्शन जो होती है उसका कलर पूछेगा आपसे और फॉर्मूला पूछेगा 2HgO.HgSO4, येलो पीपीटी याद रखिएगा, बाकी सारे वाइट है, ये येलो, और इसका नाम होगा बेसिक मर्करी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2 सल्फेट, बेसिक मर्करी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सल्फेट, ठीक है, इसका पीपीटी कलर आता है येलो, ठीक। तो ये चार पीपीटी रिएक्शन देता है सल्फेट और इन चारों से आपको सवाल पूछता है। अब सवाल में एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, BaSO4 यानी BaSO4 को हमने जब सल्फाइड आयन पढ़ रहे थे, सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एक खास बात पढ़ी थी कि सल्फाइड में जब हमने पढ़ा था BaSO3 याद है, BaSO4 में कन्वर्ट हो रहा था, BaSO3 जो था वो वाइट था, उसको ऑन स्टैंडिंग रखा था तो हैवी वाइट पीपीटी में गया था BaSO4 में, और वहाँ हमने लिखा था कि BaSO4 इनसॉल्युबल होता है इन एनी एसिड और बेस, याद है, एट रूम टेम्परेचर। ये आज भी वही बात लिखनी है हमें कि BaSO4 हैवी वाइट पीपीटी है, इनसॉल्युबल इन एनी एसिड और बेस। इसके अलावा इसमें एक लाइन लिखनी है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वॉर्म, इनसॉल्युबल इन वॉर्म डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। मॉडरेटली सॉल्युबल का मतलब सॉल्युबल ही बोल देना, मॉडरेटली वर्ड इसलिए लिखा रहा हूँ कि अगर लैंग्वेज में आ जाता है तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्युबल होता है कंसंट्रेट H2SO4 एंड कंसंट्रेट HCl में, लेकिन कौन से वाले में? बॉइल कंसंट्रेटेड HCl एंड बॉइल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 बोल दो या कंसंट्रेटेड HCl बोल दो। तो सिंपल सा है कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब BaSO4 से एक पैराग्राफ वाली रिएक्शन बनती है, और ये रिएक्शन जब आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि क्या क्या है उसने। ये पैराग्राफ बनाएगा, एक बहुत अच्छा पैराग्राफ बनेगा, देखो ये आपका BaSO4 लेते हैं, इसकी रिएक्शन Na2CO3 से कराई जाती है कार्बन की प्रेजेंस, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन मैंने आपको थायोसल्फेट में भी पढ़ाया था, मैंने वहाँ लिखाया था कि जब Na2SO4 यानी कि सल्फेट आयन हो उसमें अगर कार्बन डाल दो तो उसको रिड्यूस कर देता है सल्फाइड में, ये आपका सल्फाइड में आ जाएगा Na2S, और ये आपका बेरियम पड़ा हुआ है चुपचाप, ये सल्फेट तो गया सल्फाइड में, सोडियम से रिएक्ट कर लिया, ये बेरियम इस कार्बोनेट से रिएक्ट करके बनाता है BaCO3
और ये सीओ निकल जाता है, ये बेरियम वाइट प्रेसिपिटेट है। यानी कि पैराग्राफ में आपको खास बात क्या समझ में आई कि ये वाइट पीपीटी ही वाइट पीपीटी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ कि सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, साथ में बन गया यहाँ पर एक सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन बना सोडियम का, वो सोडियम का जो सल्फाइड आयन है वो है सोल्यूबल, सोल्यूबल है तो सल्फाइड आयन फ्री पड़ा हुआ है। अब इस सल्फाइड आयन का जो फ्री पड़ा हुआ है पानी में, उसकी रिएक्शन हम उसमें सिल्वर डालते हैं प्लस ऑक्सीजन डालते हैं, ये ऑक्सीजन सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेगी और ये ऑक्सीडाइज करके सिल्वर प्लस बना देगा। सिल्वर प्लस इस सल्फाइड आयन से रिएक्ट करता है और Ag2S प्लस OH माइनस एल्कलाइन मीडियम, और ये Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? ये Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट। Ag2S का क्या बना देता है जल्दी बताओ? ब्लैक प्रेसिपिटेट। Ag2S का क्या बना रहा है? ब्लैक PPT। तो आप देखो व्हाइट PPT से व्हाइट PPT, इसी व्हाइट PPT से फिर एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इससे आता है पैराग्राफ, और जब पैराग्राफ आता है तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि सल्फेट के वाइट पीपीटी को कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो कनेक्ट नहीं होता। इसको एक अलग से कागज पे लिखना और अलग से चिपका देना इसको, ठीक है? अलग से लिख के, अलग से बोल रहा हूँ, अलग से लिखना, चिपका देना, ताकि ये अपने आप आपके दिमाग में रहे। क्योंकि जब आप कनेक्ट करके आप सोचोगे कि कनेक्ट हो जाए, तो आप कैसे भी कनेक्ट कर लोगे तो सल्फेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं करा पाओगे, ठीक है? ये पैराग्राफ अलग से आता है, अलग से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन बनता है इस पर। अगला देखो, अब जो आपका PbSO4 था, ये PbSO4 भी सॉल्युबल किस किस में होता है ये देखो आप, इसकी सॉल्युबिलिटी भी पूछी जाती है। आप नोटिस करेंगे जो पूछा जाता है मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखते हैं। जैसे आपको कई डाउट आएंगे, आपने इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं लिखी, अरे तो सबके नहीं लिखते हैं, जो एग्जाम में आता है उतना ही लिखते हैं, ठीक है? जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही, जो सिलेबस में है वही, जिनकी सॉल्युबिलिटी सिलेबस में वही लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते हैं कुछ भी। तो सॉल्युबल इन, पहला तो वही है हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4, दूसरा आता अमोनियम एसीटेट, वही अमोनियम टार्ट्रेट एंड आपको याद हो तो एक मैंने हमेशा कहा था कि एक्सेस ऑफ एनएच जरूर आएगा, लेड है तो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है तो सोल्यूबल हो जाएगा। अब ये सोल्यूबल हुआ कैसे था ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आप एक्सेस ऑफ एनएच लेते हैं यहाँ पर, तो आपको बताया था मैंने इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ याद आया? यहाँ पर भी सब में कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ये PbSO4 लिया आपने, तो ये आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 आप जब लेंगे तो ये भी आपका क्या बनेगा? एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अमोनियम एसीटेट लेंगे तो भी आपका क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो भी आपका क्या बनेगा? ये अमोनियम टार्ट्रेट लेंगे, टार्ट्रेट, अब टार्ट्रेट का फॉर्मूला नहीं आता आपको, देखो इधर, टार्ट्रेट आयन जो है वो और डाई यानी कि बाइडेंटेड होगा, क्या होगा? बाइडेंटेड। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे सॉल्युबल। टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना है? टार्ट्रिक एसिड CCCCCOOH, याद है? OH 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 H OH H COOH। तो जब यहाँ से आपने H निकालोगे तो O- आएगा, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा बाइडेंटेड लिगेंड, इसलिए यहाँ 2 आया, यहाँ तो 4 आया है, यहाँ पर भी ये आपका 2 ही रहेगा क्योंकि ये भी फ्लेक्सीडेंटेड होता है, ये 4 आ गया, ठीक है? तो इस तरह से मतलब कुल मिला के आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी, दिमाग में बस इतना याद रखना है कि ये रीज़न क्या है इनके सोल्यूबल होने का। तो रीज़न के लिए आपके पास एक हिंट है,
NaOH किससे NaOH में सोल्यूबल कैसे हुआ था, तो NaOH में सोल्यूबल हुआ था ना यार, सिंपल है कॉम्प्लेक्स बना के, बाकी में भी कैसे होगा कॉम्प्लेक्स बना कर, ठीक है। ये आपके रिएक्शन होगी, देखो आगे ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट विद Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या बोल रहा है वो, टेस्ट विद Na2SO4 प्लस BaCl2, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसमें, MnO4 माइनस सॉल्यूशन में। तो अब यहाँ होता क्या, पहले ये समझना आप, देखो जब आप इस Na2SO4 और BaCl2 की रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा BaSO4 टेस्ट ट्यूब में, बना। ये आपका सॉल्यूशन कौन सा है, MnO4 माइनस, ठीक है, आराम से समझना। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने Na2SO4 और BaCl2 डाल दिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से क्या भरा हुआ था, MnO4 माइनस आयन सॉल्यूशन, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा BaSO4, ये BaSO4 का होगा वाइट प्रेसिपिटेट, क्या होगा वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये BaSO4 जो इस MnO4 माइनस से कुछ MnO4 माइनस आयन अपने ऊपर एडसॉर्ब कर लेंगे, ध्यान से सुनना, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो BaSO4 बना, इस BaSO4 में ये BaSO4 कुछ आयन जो है वो एडसॉर्ब कर लेंगे अपने ऊपर, एडसॉर्ब कर लिया, चारों तरफ BaSO4 जो है उसके MnO4 माइनस एडसॉर्ब हो गया। अगर उसके चारों तरफ MnO4 माइनस आयन एडसॉर्ब हो गया तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट था वो पिंक हो गया। अब उसके अंदर हम क्या डालते हैं, H2O2, ये H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये H2O2 जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये इस लिक्विड जो पड़ा हुआ MnO4 माइनस आयन है यानी कि जो एडसॉर्ब्ड नहीं हुआ उसको तो रिड्यूस कर देता है, यानी कि वो रिड्यूस हो गया MnO4 माइनस आयन तो किसमें चला गया, Mn+2 में, कलरलेस। तो ये जो सॉल्यूशन आपको पिंक कलर का दिख रहा था ये सॉल्यूशन में तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया कलरलेस, लेकिन जो एडसॉर्ब्ड MnO4 माइनस है वो रिड्यूस नहीं होते क्योंकि वो तो अब जुड़ गए हैं तो उनका कंपाउंड अलग बन रहा है, एडसॉर्प्शन हो गया, तो एडसॉर्ब्ड MnO4 माइनस रिड्यूस नहीं होगा। अगर एडसॉर्ब्ड MnO4 माइनस रिड्यूस नहीं होगा तो ये BaSO4 पिंक प्रेसिपिटेट नजर आएगा, ये BaSO4 कैसा नजर आएगा, पिंक प्रेसिपिटेट, क्लियरली पिंक नजर आएगा, और ये तो कलरलेस हो गया पूरा सोल्यूशन जो था, तो आपको BaSO4 का पिंक पीपीटी नजर आएगा और आप सोच नहीं पाएंगे पिंक पीपीटी भी होता है क्या BaSO4 का, हमने तो BaSO4 का वाइट पीपीटी पढ़ा था। इसको थोड़ा ढंग से लिखना कि जब Na2SO4 और BaCl2 को MnO4 माइनस सॉल्यूशन में डालते हैं तो BaSO4 का वाइट पीपीटी बनता है, आराम से लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर ये BaSO4 का वाइट पीपीटी कुछ MnO4 माइनस आयन को एडसॉर्ब कर लेता है, एडसॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन में H2O2 डालते हैं तो H2O2 जो है वो सॉल्यूशन के MnO4 माइनस आयन को डीकलराइज कर देता है, कलरलेस कर देता है, परंतु जो एडसॉर्ब्ड MnO4 माइनस आयन है वो डीकलराइज नहीं होते, इसलिए BaSO4 का पिंक प्रेसिपिटेट क्लियरली नजर आता है। ये ऑब्जर्वेशन है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको ढंग से लिख लेना, ये सल्फेट का इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपका सल्फेट समाप्त,
क्लियर। अगला आएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्या बोला जल्दी बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो लिख रहा हूं मैं, पहला ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्ट्रेस दें, अगर यही वाला है टेस्ट भी, टेस्ट विद अमोनियम मोलिब्डेट इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, क्या बोल रहा है, टेस्ट विद अमोनियम मोलिब्डेट इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, समझ रहे बात को आप, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। ये कौन सा टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब इससे कंफर्म पता चल जाता है हमको, क्या बोला जल्दी बताओ, इससे कंफर्म पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि भाई फॉस्फेट है या नहीं, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं जरा देखना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन होगा, अब मुझे पता लगाना था कि इसमें फॉस्फेट है कि नहीं है, सबसे पहले मैंने इसमें डाला HNO3। एक लैंग्वेज का मतलब समझना है, देखिए लिखा हुआ है अमोनियम मोलिब्डेट इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 अगर वर्ड है तो इसका मीनिंग हमेशा निकालना है आपको कि HNO3 को पहले डालना है, बाद में फिर आपको इसमें क्या डालना है, अमोनियम मोलिब्डेट, पहले क्या डालना है HNO3। जैसे मैं आपसे कहूँगी यार मैं आपके घर आऊँगा इन प्रेजेंस ऑफ यू, इसका मतलब क्या निकलता है, आप पहले होंगे या मैं पहले होऊंगा, भावेश गुरनानी बताओ, आपको होना पड़ेगा ना घर पे पहले, तभी तो मैं आऊँगा इन प्रेजेंस ऑफ यू, तो इसका मतलब पहले ऐड करा आपने HNO3, तो HNO3 ऐड कर दिया, कर दिया ऐड, ऐड करने के बाद इसे गए और बॉयल कर दिया, पहले बॉयल करके ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद फिर अमोनियम मोलिब्डेट ऐड किया, अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करने के बाद इसे फिर से हीट किया। अब यहाँ पर कंडीशन है कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री, तो टेम्परेचर अगर आपने लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री रखा और इसे हीट किया तो तुरंत आपको एक येलो प्रेसिपिटेट नज़र आ जाएगा, अगर ये येलो प्रेसिपिटेट दिख गया आपको तो कन्फर्म है कि फॉस्फेट है, अगर आपको ये येलो प्रेसिपिटेट दिख गया तो कन्फर्म है कि वहाँ पर फॉस्फेट है, क्लियर, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अब जो सवाल मन में आएंगे वो क्या क्या है, पहला आपने पहले HNO3 डाला, दूसरा उसको आपने बॉईल किया क्यों, तीसरा सवाल टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यों होना चाहिए 40 डिग्री, ठीक है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने कहा ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट हो सकता है किसमें है, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, तो यानी कि सोडियम कैटायन हो गया ये, प्लस आपने डाला HNO3, प्लस आपने डाला अमोनियम मोलिब्डेट, टेम्परेचर क्या रखना है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 40, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, कैनरी एक बर्ड होती है येलो कलर की, उसके कलर के नाम पर इसका नाम दे दिया कैनरी येलो पीपीटी, आपको सिर्फ येलो पीपीटी भी याद रखेंगे तो चलेगा। यह होता है अमोनियम फॉस्फेट के साथ ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड जुड़ गया, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को अलग तरह से एक और लिख सकते हैं, मैथमेटिकली देखना जरा, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ये चार ऑक्सीजन अगर उधर ले जाऊं तो 12 × 3 = 36 हो गया, चार ही हो गया 40, ये तो 12 है इसी, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो क्या ऐसे आ सकता है, यहाँ 3 कर दें तो 4 × 3 = 12, यहाँ आपका जो 40 है तो 10 कर दो तो 40, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है। अभी ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आता है, एग्ज़ाम में सवाल आया भी है, पता है क्या सवाल ये था कि ये जो कैनरी येलो पीपीटी है वो
अमोनियम फॉस्फेट के अंदर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के सिमिलर कौन सी टर्म है इसके अंदर? क्वेश्चन क्या था? अमोनियम फॉस्फेट का एक फॉर्मूला दे दिया उसने, बोला कि अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्मूले में जो ऑक्सीजन है उसके सिमिलर यहां पर कौन सी चीज है, मतलब क्या उसके बराबर है। तो जैसे देखो मैंने किस फॉर्म में लिखा है इसको, अमोनियम फॉस्फेट की फॉर्म में लिखा है। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये चार यहाँ आ गया, ये जो वैल्यू है ये ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट आ रही है ना यहाँ पे NO3 O10, ये इक्विवेलेंट आ रही है इसकी, तो इसलिए फॉर्मूले को ऐसे लिखा अपन ने। क्लियर सबको? अब पहला सवाल, आपने HNO3 डाला और बॉयल क्यों किया? तो सुनो, अंदर क्या होता है कि कुछ रिड्यूसिंग रेडिकल्स हो सकते हैं लाइक सल्फाइड एंड सल्फाइड। इस टेस्ट में कुछ रिड्यूसिंग रेडिकल्स हो सकते हैं लाइक सल्फाइड एंड सल्फाइड, कुछ रिड्यूसिंग रेडिकल्स हो सकते हैं सल्फाइड एंड सल्फाइड। तो ये रिड्यूसिंग रेडिकल्स इस मोलिब्डेनियम प्लस 6 को, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आप देखें कितना आएगा, प्लस 6। ठीक है, रिड्यूसिंग रेडिकल से इसको रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस करके ये आपका ब्लू प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो आप इंतजार करोगे कैनरी येलो, येलो प्रेसिपिटेट आने का, अंदर ब्लू पीपीटी आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका टेस्ट ही नहीं हुआ। तो आपने पहले HNO3 डाला उसके बाद इसे उबाला, तो आपने क्या करा, रिड्यूसिंग रेडिकल्स जो है उनको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करने से ये खत्म हो गए, अब इनका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका जो टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, यानी कि अगर फॉस्फेट होगा तो कन्फर्म पता चलेगा और फॉस्फेट नहीं होगा तो कन्फर्म पता चल जाएगा कि नहीं है। क्लियर? तो इसलिए पहले HNO3 डाला ताकि ये रिड्यूस हो जाए। तो नोट करके लिख लेना यहाँ पर क्या, कि अगर रिड्यूसिंग रेडिकल्स हुए तो वो इस मॉलिब्डेनम प्लस 6 को रिड्यूस करके ब्लू प्रेसिपिटेट बना देते हैं, इसलिए पहले HNO3 डालते हैं और HNO3 डालने के बाद उसे उबालते हैं ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए और इनका इफेक्ट खत्म हो जाए, फिर उसे ठंडा कर लेते हैं। हो गया ठंडा? ठंडा होने के बाद अब आपने क्या करा, अमोनियम मॉलिब्डेनम ऐड किया, और अमोनियम मॉलिब्डेनम ऐड करने के बाद आपने फिर क्या किया, अगेन हीट किया, अगेन हीट कर रहे हैं। देखो अगेन हीट किया इसको, अगेन हीट किया, लेकिन टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 रखा। पूछो क्यों? बिकॉज ऑन बॉइलिंग, अगर आप बॉइल करते हैं तो सिमिलर प्रेसिपिटेट आर्सेनिक भी दे देता है। ये भी येलो पीपीटी होता है, ऑन बॉइलिंग अगर यहां टेम्परेचर आपने 40 से ज्यादा कर दिया तो येलो पीपीटी किसका आ सकता था, अमोनियम आर्सेनेट का भी आ जाता, तो अमोनियम आर्सेनेट का अगर येलो पीपीटी आ जाता तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि येलो देखते आप बोलते कि अरे तो फॉस्फेट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है तो आप कन्फर्म होते कि नहीं फॉस्फेट ही है, लेकिन आंसर गलत था क्योंकि आर्सेनेट ने दे दिया। तो अगर आप टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 40 रखते हैं तो आपको ये कन्फर्म पता चलता है कि सिर्फ फॉस्फेट है। क्यों? क्योंकि आर्सेनेट तो बॉइलिंग पे देगा, 40 से कम या 40 पर आ रहा है अगर, तो इसका मतलब वो फॉस्फेट ही है, तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, इसके इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना इसको ढंग से। ठीक है,
फॉस्फेट की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, मैग्नीशिया मिक्सर से। ये फॉस्फेट होता है, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीशिया मिक्सर कहलाता है, MgCl2NH4OHNH4Cl। ये पूरा का पूरा मैग्नीशिया मिक्सर है। ये जो मैग्नीशिया मिक्सर है इसके अंदर डालते ही मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट। तो अमोनियम मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीटी को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है। ये है आपका मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, और मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का जो है वो वाइट रेजिड्यू बनता है। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का क्या बनता है, वाइट रेजिड्यू। ये हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको फॉस्फेट पढ़ाया था तो बताया था यार, तो फॉस्फेट का हीटिंग इफेक्ट में क्या बोला था मैंने कि अगर अमोनियम कैटायन ट्रीटेड एज अ आयनाइजेबल हाइड्रोजन, और आयनाइजेबल हाइड्रोजन अगर ऑड नंबर में होती थी तो फॉस्फेट को हीट करने पर पायरो बनता था। याद नहीं है ना, भूल गए ना, दोबारा रिवाइज कर लेना फॉस्फेट का हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और छुपा हुआ है, वो हम पता करेंगे जब हम मैग्नीशियम कैटायन पढ़ेंगे आगे। मैग्नीशियम कैटायन आएगा तब आपको वापस ये रिएक्शन बताऊंगा, इसमें एक पॉइंट वहीं पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ गया कि फॉस्फेट अगर मैग्नीशियम मिक्सर से करता है तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीटी बनाता है, जिसे हीट करने पर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है। ये आपका अमोनियम फॉस्फेट, सॉरी अब ये फॉस्फेट रिएक्ट करता है आपका Fe+3 से तो FePO4 बनता है। FePO4 का येलोइश वाइट पीपीटी होता है, FePO4 का येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट। और ये येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, इनसॉल्युबल है एसिटिक एसिड में। ये आपके कुछ कंपेरिजन आएंगे वहां पर आपको पूछा जाता है, तो ये इनसॉल्युबल होगा किसके अंदर, बोलो, एसिटिक एसिड में। बाकी तो पता ही आपको सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड में, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। ओके, अगला देखो। तो अगर FePO4 पूछेगा इनसोल्यूबल इन एसिड के, बता दें। अच्छा एक लाइन और आती है, अगर मान लीजिए ऐसे पूछता है कि ये है ना, जैसे डाइल्यूट HNO3 एंड डाइल्यूट HCl, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनको मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है। तो यहाँ चाहे तो लैंग्वेज आपके सोल्यूबल इन डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट HCl, ये लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड अलग होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है। तो अगर ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। सोल्यूबल इन डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट HCl ऑब्लिक करके मिनरल एसिड्स लिख लेना, और एसिटिक एसिड में इनसोल्यूबल है। टेस्ट विद AgNO3। ये जैसे फॉस्फेट है ना, अगर आप AgNO3 से कराएंगे, इनके सिर्फ कलर पता होने चाहिए आपको, डायरेक्ट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर फॉस्फेट बनेगा। अगर आप AlCl3 से कराएंगे, LPO4 वाइट पीपीटी बन जाएगा। अगर आप BaCl2 से कराएंगे, बेरियम वाइट पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। ये जब ऐसे लिखे हैं तो समझना इसने 2 डिग्री के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बनाया है। तो आप चाहे डायरेक्ट 3 डिग्री लिखो, 3 डिग्री लिखो, 2 डिग्री लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख सकते हो, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये फॉस्फेट की फॉर्म होते हैं, टिक कर देना, ठीक है। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे सारे के सारे, ये येलो पीपीटी, क्लियर। ये आपका फॉस्फेट समाप्त, यानी कि अब बचा, इसमें 2 आयन और लिखवाए थे मैंने, एक RC9 और एक RC8, ठीक है। तो RC9 और RC8 हमारे सिलेबस में नहीं है,
तो दो आयन हम नहीं पढ़ रहे, तो ये दो आयन पढ़े और इसी के साथ हमारा क्या खत्म हुआ, सब ग्रुप वन। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फिर सब ग्रुप टू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, पढ़ते रहना, याद करते रहना। आप लोग नहीं याद कर रहे हो, मैं फिर से बोलूंगा, याद करते रहना। ठीक है, चलिए बाय।